जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैनल पे और एक नए टॉपिक के लिए मिल रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है, जुड़ना है यार प्रॉपर तरीके से, है ना। तो आप सबको क्या जुड़ना है तो सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड के सिलेबस की, कंप्लीट सिलेबस वी आर डिस्कस हियर, ओके। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस बात करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, ठीक है, रेगुलर मिलेंगी, सेम टाइम पे मिलेंगी, सब फिक्स रहेगा, ठीक है। और इसमें बैंक, पीओ, एसएससी, जेई, ठीक है, यूपीएससी, सीसैट का जो भी क्वेश्चन आता है वो, गेट का, जितने भी एप्टीट्यूड के एनी टाइप्स, जहां पे भी, ठीक है, एग्जाम जो क्या कहते हैं कंडक्ट करवाते हैं कैंपस सिलेक्शन में, वहां तक के क्वेश्चन में ले आऊंगा प्रॉपर तरीके से, और वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका एक टेस्ट रहेगा वीक के अंदर, ठीक है, कंप्लीट, और जो भी है जितने भी क्वेश्चन है जितने भी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, ट्रिक्स को समझेंगे, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं। विद इन वन, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, दस सेकंड या बीस सेकंड, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आधे आधे मिनट में सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो आज दौड़ है किसकी, टाइम की, आज ये दौड़ नहीं किसको किसके पास कितना नॉलेज है, ना बिल्कुल नहीं, आज दौड़ है आपके पास कितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कितना फास्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं सामने वाला भी। देखो बना तो हर कोई लेता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान या कठिन नहीं होता, ठीक है, बना हर कोई लेता है, बस बात यह बनती है कि सबसे स्पीड में कौन बना रहा है। आज है कंपटीशन किसका, टाइम और स्पीड की, आप कितनी स्पीड से कितना जल्दी और कितना एक्यूरेट करते हैं। गुड मॉर्निंग राजन सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा, सेशन को शेयर कर दो बेटा, ठीक है, सेशन को शेयर करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बताओ, जस्ट वन सेकंड आई विल चेक, आवाज आ रही, हाँ कंप्लीट, सही है, ठीक है। तो आज ये जरूरी है भैया कि आप कितनी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अभी तक मैं 9 to 12 मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, दूसरे वाले चैनल पे ट्रायंगल मैथ पे, ठीक है। तो मुझे क्या लगा कि यार कंपटीशन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेक्शन लोगों से उतना नहीं हो पा रहा, मैं वहां पे डिटेल में पढ़ाता हूँ, सब कुछ वही वहां वाला यहाँ पे आता है, ठीक है, बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स आती है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, एप्टीट्यूड वाले सेशन में सीखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो ऐसा चैनल है यहाँ पे, अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया, मैं आपका फायदा बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने से होगा क्या, ठीक है। अभी जितने भी इंडिया के अंदर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने भी चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, कंप्लीट कोर्स कोई नहीं देता है फ्री में, ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस पर डे मॉर्निंग 7 AM मिलेंगी, ठीक है, 40 से 45 मिनट की आपकी क्लास होने वाली है, और उस क्लास में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिलेगा, आफ्टर देन वी कैन डिस्कस द मोर एंड मोर क्वेश्चन इन वेरियस एग्जामिनेशन, ओके। तो जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, टफेस्ट, समझ रहे हो, टफ से टफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और उसको एक नहीं, चार पांच तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट होगा आपका। तो आज हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट, आज हम करेंगे सिलेबस डिस्कस, एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। एक एक चैप्टर में हमें यह देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक आता है एग्जाम में, या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, या कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सेशन होने वाला है 40 मिनट का, ठीक है, 40 मिनट का एक सेशन रहेगा, और इसमें आपको पूरा ये देखने को मिलेगा कि एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्लाइड ये रही, ठीक है, ये ऐसा लोगो दिखेगा, ये जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में लोगो दिख रहा है साइड में, ये जो मेरे साइड में लोगो दिख रहा है, इस लोगो का चैनल मैथ्स गुरुजी, ठीक है, मैथ्स गुरुजी। सर एसएससी सीजीएल का भी होगा क्लास, बिल्कुल होगा,
सब कुछ होगा इसमें, एसएससी, सीजीएल, जेई, एसबीआई पीओ, बैंक पीओ, जितने भी होते हैं, ऑल क्लासेस अवेलेबल हियर, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस इन दिस क्लास, ओके। तो इसके लिए वरी होना ही नहीं है, मैं बोल रहा हूं ना, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में कभी भी पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं, सारे क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहां पे आएगा, आईपीएस का बिल्कुल आएगा भाई, 100% मैं बोल रहा हूं ना, यूपीएससी सीसेट तक का क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा मैं, यूपीएससी सीसेट तक का। अब बताओ, अब उससे बड़ा एग्जामिनेशन आई थिंक इंडिया में अभी तक नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी सीसेट तक का यहां पे सभी क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए जाएंगे, और हर एक टॉपिक में, समझ रहे हैं, हर एक टॉपिक में लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पे, समझ रहे हैं। और प्रैक्टिस सीट, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट आपको पर डे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, 10 क्वेश्चन मिनिमम, 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, किसी दिन टेस्ट अरेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। हफ्ते में एक टेस्ट तो मतलब 101% फिक्स है कि जिस दिन टॉपिक खत्म होगा उसका टेस्ट तो होना ही होना है, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो इसके लिए वरी नहीं होना कि यार कैसे प्रिपरेशन होगी, क्या होगी, कैसे, सब कुछ मैंने एकदम प्लान किया हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बने रहना है, पढ़ते रहना है, कॉन्सेप्ट को सीखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, पूरा क्लास अटेंड करिए वन बाय वन, उसके बाद हम लोग टेस्ट पूरा देंगे, भयंकर टेस्ट करेंगे और टेस्ट में स्कोर करेंगे, फिर देखते हैं क्या कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए फिर सिलेबस स्टार्ट करते हैं, सिलेबस आज है सिलेबस स्लाइड, तो ये देखो, ये पहला सिलेबस, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है, नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशन, नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, सब चेक करेंगे कैसे होता है। जनरल रूल, जो देखो एक ट्रिक होती है, एक जनरल रूल होता है, तो मैं दोनों बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। रिमाइंडर वाला ट्रिक, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिवाइस करते जाते हैं, फिर रिमाइंडर यूज करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर यूज करते हैं, वो कैसे करेंगे, फिर ट्रिक्स यूज करूंगा, और फिर दो लेवल के क्वेश्चन होंगे, एक बेसिक लेवल का होगा, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम होगा। चैप्टर नंबर 2, नंबर सीरीज, जिसमें होता है कुछ गैप होता है, कुछ नंबर्स, दो नंबर लिखे होते हैं उनके बीच में कुछ गैप होता है, मल्टीप्लीकेशन, प्लस, एडिशन, डिवाइडेशन, ये जो सारे नंबर होते हैं इनको मैं करूंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, नंबर सीरीज होती क्या है, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर सीरीज होते हैं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज, फिर उस पर ट्रिक्स सिखाऊंगा, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 का, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर, नेक्स्ट एचसीएफ एलसीएम, ये बहुत आसान है, बेसिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, एचसीएफ मिलेगा, एलसीएम मिलेगा, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम कंबाइंड, दोनों को एक साथ मिलाकर कैसे करना ये देखेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट इन डिजिट नंबर एंड डिविजिबिलिटी, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है उसमें डिविजिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। फिर ट्रिक्स देखेंगे, और लास्ट में अपने दो ही चीज बचते हैं, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन लेवल 1 एंड लेवल 2 का, ठीक है। बिल्कुल एकदम एकदम बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बने रहिए, बने रहिए बेटा, जस्ट वन सेकंड। अरे यार, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, कैसे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें कुछ खास नहीं है, केवल और यही है, बेस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ट्रिक्स रहेगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है। चलिए, ये स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, स्क्वायर रूट रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, उसके बाद ट्रिक रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, क्यूब होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है, ये सीखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट को कैसे तोड़ते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये सीखेंगे, फिर क्यूब रूट को किसी नंबर पे कैसे लगाते हैं, कैसे हटाते हैं, ये सीखेंगे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 का क्वेश्चन, और इसमें जिसमें आईपीएस तक के क्वेश्चन, यूपीएससी सीसेट तक के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले बेटा हम लोग, ठीक है। इंडाइस एंड सर्ड, इंडाइस और सर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इंडाइस रहेगा, सर्ड रहेगा, लॉ ऑफ सर्ड रहेगा, रिलेशनशिप ऑफ सर्ड रहेगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड रहेगा, प्रैक्टिस लेवल एंड लेवल 2 की रहेगी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम बेसिक लेवल से चलने वाले हैं, एकदम जीरो टू हीरो लेवल पढ़ने वाले हैं, भयंकर तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। वैदिक मैथ, ये तो मतलब सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं, वैदिक मैथ्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको सीखना मिलता है, सीखने को मिलता है क्या, कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट एनी नंबर, हाउ टू कैलकुलेट दीज थिंग्स, है ना, किसी चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी फास्ट, क्विकली कैसे फास्ट करेंगे, कितना स्पीड से किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, कितना तेज, कितने जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये देखेंगे। इसमें भी वही तरीके में अपनाऊंगा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम, वन लेवल एंड सेकेंड लेवल, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बने रहिए बेटा, बने रहिए। फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सिमेशन,
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा ढंग के क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं। जो बड़े एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे यहां से ढंग के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से क्वेश्चन कई बार आया है एसएससी में, और इतना बेसिक लेवल होता है ना, देखते से ही क्लिक हो गया। अगर एक बार में क्लिक हो गया ना बेटा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे झूलते रह जाओगे उसी में, ऐसे पकड़ के घूमते रहोगे, ऐसे 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 कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार में क्लिक हो गया ना तभी मजा आएगा, हालांकि फिर अगर दोबारा तो उसमें दोबारा दिमाग लगाए ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आपने ढंग से पढ़ा किसी भी चीज को तो फिर वहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है, जो वहां पे मजा आता है, जो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का आनंद होता है ना, वो अलग ही होता है, समझ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर करो सेशन को, जल्दी से शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा और बताओ यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा? अभी तो बेटा इंग्लिश में ही रहेगा लीलेश, अभी तो इंग्लिश में ही रहेगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में टाइप करने की, मेरी हिंदी टाइपिंग है नहीं, सब कुछ टाइप करके लाना पड़ेगा, तो टाइपिंग में मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं इंग्लिश में लाऊंगा बट समझा हिंदी में दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा, अगर नहीं टाइप कर पाया तो मैं पेन से लिख दूंगा, ठीक है, मैं पेन से राइट डाउन कर दूंगा ऑन द पेपर, ठीक है। आपको बोर्ड पे हिंदी में पूरा क्वेश्चन मैं लिख दिया करूंगा फुल स्पीड में, या समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, मैटर क्या है, कैसा है, ठीक है। तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, डेटा कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा आपको कंप्लीट। बहुत ज्यादा मजा आएगा। सेशन को शेयर कर दो बेटा, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया। चलिए आ जाइए फटाफट कंप्लीट करते हैं, देखिए ये देखिए प्रॉब्लम्स ऑन एज एंड नंबर, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना तो आप बिल्कुल भी नहीं क्लिक कर पाएंगे, बिल्कुल डेटा ही नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, किसी भी टॉपिक का कभी भी आप पढ़ने जाइए, आप मजबूत कॉन्सेप्ट रखिए, कहते हैं ना अगर नींव मजबूत है ना तो घर हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 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 कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन को समझने पे फोकस करिए, आंसर पे फोकस कभी मत करना। जब भी आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे आप ऑलवेज ऑलवेज सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी वही सिनेरियो हम फॉलो करने वाले हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन प्रॉब्लम ऑन एज, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, फिर प्रैक्टिस करेंगे लेवल वन एंड लेवल टू का, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए ठीक है, ये देखिए परसेंटेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन इतना बेहतरीन फ्रेम किया जाता है ना, इतना बेहतरीन ढंग से फ्रेम किया जाता है कि आप वहीं के वहीं ऐसे हल्का सा घुमाया जाता है और आप घूम जाते हैं। क्यों, कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, आपका बेसिक खराब है, आपका कॉन्सेप्ट खराब है। तो आपको परसेंटेज पढ़ना है और बहुत ही ढंग से पढ़ना है। बताओ समझ आ रहा है चीजें, मैं जो बोल रहा हूं चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? एकदम से सब कुछ परसेंटेज में हमें क्या पढ़ना है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, वही कन्वर्जन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, दोनों को पहले परसेंटेज में रहेगा फिर उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर लेवल वन एंड लेवल टू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी आईपीएस तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यूपीएससी आईपीएस तक के क्वेश्चन मिलेंगे, सीसेट तक के, ठीक है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस तरह से बोलता है कि आप इतने अमरूद खरीदे फिर उसको इतने रुपए में बेच दिए, बताइए आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट है और स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रॉब्लम वन एंड टू लेवल की, और इसमें भी आईपीएस और यूपीएससी सीसेट तक का क्वेश्चन मैं ले आऊंगा, कुछ भी करके ले आऊंगा, मैं कहीं से ढूंढ के ले आऊंगा बट आपको क्वेश्चन मिलेगा। बहुत हिंदी वाले भी रहता है सर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी रहेगा, लेकिन हाँ मैं देखो अभी क्या होता है कि लीलेश हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है बेटा, समझ रहे हो, मेरे पास मैं अकेला इंसान हूँ, पूरा स्टूडियो खुद संभालता हूँ, पूरा चैनल खुद संभालता हूँ। अभी तुमको पता है मेरे पास दो चैनल है, आज से दो चैनल है, ठीक है। अब आज से इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अकेला इंसान हूं तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। तो जितना देखो मैं क्वेश्चन को इतना बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा ना कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये हिंदी में है या इंग्लिश में। लैंग्वेज बैरियर मैथमेटिक्स में कभी नहीं बनती है बेटा, लैंग्वेज बैरियर मैथमेटिक्स में कभी नहीं बननी चाहिए और ना बनने देना जीवन में, ठीक है। अगर लैंग्वेज बैरियर तुमने क्रिएट कर लिया, माइंडसेट ये कर लिया कि मुझे तो हिंदी में ही समझ आता है, तो फिर आगे चल के चीजें बहुत कुछ इंग्लिश में मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंग्लिश में समझ पा रहे हैं तो हिंदी ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे, तब
प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको इंग्लिश में भी समझ आए। समझ आई बात की नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलेगा बेटा ये लेक्चर। एवरेज, एवरेज ये इतना भयंकर चैप्टर है ना, इतना खतरनाक चैप्टर ना, लोग एवरेज का नाम सुन के परेशान होते हैं, एवरेज का नाम सुन के परेशान होते हैं। मैं ऐसे चुटकी में निकलवाऊंगा यार, चुटकी में आप लेक्चर देखने के बाद ना आपको ये लगेगा कि भाई मतलब क्या ही मजा आ गया, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बेसिक 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 बेसिक, देखो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना, तो उसका तो फिर अलग ही मजा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है ना, तो फिर आप गेम कर जाओगे बेटा, गेम कर जाओगे। फिर रूल ऑफ सम, रूल ऑफ सम, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ एवरेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा टॉपिक है ना, इस पे लोग मर जाते हैं। छह चीजें दी हुई है, करो डिवाइड, करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, नहीं आता किसी को भी नहीं आता। कई लोग तो यही समझने में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यही क्लिक नहीं होता। क्वेश्चन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आया है, यही नहीं पकड़ पाते। क्यों? कॉन्सेप्ट खराब है ना, बेसिक खराब है। बेसिक सही करो, बेसिक सही करो, मेहनत करो। अरे बोलो, तो बेसिक सही करो बेटा, मैं यही कहता हूं। अगर नींव आपकी सही है ना, तो घर हमेशा खड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना। चलिए चलिए चलिए, डेविएशन रूल, डेविएशन रूल, डेविएशन रूल, कंसेक्टिव नंबर, एवरेज स्पीड, ये स्पीड वाले पे पता नहीं क्यों लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। दो तरह की, तीन तरह की स्पीड दे जाती है, फिर निकालो एवरेज, हो जाते हैं परेशान, हो जाते हैं परेशान, ठीक है। बॉलिंग एवरेज एंड बैटिंग एवरेज, क्या बॉलिंग और क्या बैटिंग एवरेज चल रही है, ये क्रिकेट वालों को समझ में आएगा। जो थोड़ा सा क्रिकेट प्रेमी होंगे ना, उनको समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए वो रेटिंग निकालता है, वहां से रेटिंग निकल के आती है, इसलिए जो टीवी के स्क्रीन के नीचे एक पट्टी ग्रीन कलर की चलती रहती है, वहां पे लिखा रहता है कि बॉलिंग रेट ये है, बैटिंग रेट ये है, दोनों का कंबाइंड रेट क्या है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से फिर हम सीखेंगे स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक। ट्रिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको क्विकली सॉल्व करना है, तो हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का ट्रिक बनाना पड़ेगा। बट हाँ, ऑलवेज रिमेंबर वन काउंसल, क्या कि ट्रिक ऑलवेज नॉट अप्लाइड फॉर एनी कॉन्सेप्ट, ओके। हर जगह ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, ट्रिक हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होती है। तो ये ऑलवेज एप्टीट्यूड सॉल्व करते वक्त हमेशा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और फिर वही वही प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन एंड टू लेवल, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यहाँ पे भी मैं यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है। चलिए नाउ 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 नेक्स्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज द मस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। किसी भी बेसिक एग्जामिनेशन में देख लीजिए, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, जेई हो, बैंक पीओ हो, कहीं पे भी आप कहीं पे भी देख लीजिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, बहुत ही ढंग का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। हालांकि मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं रखा हुआ, क्योंकि मुझे वीडियो बहुत ही छोटी बनानी थी, बहुत ही कंप्रेसिव वे में बनानी थी, बहुत ही प्रिसाइज वे में बनानी थी। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नहीं रखे हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो मैं क्वेश्चन भी ले आता और आपको दिखाता कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। हालांकि आपको परसों की क्लास में आपको मिलेगा, यहाँ पे भयंकर बेहतरीन तरीके का एक कॉन्सेप्ट, वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा बेटा। सबसे पहला चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स, आपको कैलकुलेशन सीखना है, पार्टनरशिप एंड शेयर, ये तो मतलब उतना ज्यादा वो नहीं करता परेशान। बट हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, में हर हमेशा इसी बात करता हूँ कि अगर आपका बेसिक 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 बेस सही है ना, तो सब कुछ सही है बेटा, सब कुछ सही है। अगर आपने बेस सही रखा है, अगर आपने बेस सही रखा है, बेसिक 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 बेसिक, मैं हमेशा बेसिक की बात करता हूँ। आफ्टर देन यू कैन अप्लाई द स्मार्ट ट्रिक्स एंड देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट क्वेश्चन, ओके। अगर आपने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैथमेटिक्स आपकी ऑलवेज परफेक्ट रहेगी, और ऑलवेज प्रैक्टिस करते रहना है सब कुछ याद रखने के लिए। समझ आ रहा है क्या? गर्मी भयंकर है आज। एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है। आपके कॉन्सेप्चुअल माइंड को थोड़ा सा, आपके जहां पे कॉन्सेप्ट लगता है, जहां पे थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, ये वहां पे काम करेगा, समझ रहे हैं। वो ये यहाँ पे आपको काम करेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा, और इसमें भी मैं बात करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आफ्टर देन स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ही एक ऐसा रामबाण है, जो केवल और केवल एप्टीट्यूड को बेहतरीन से बेहतरीन, इजी से इजी वे में समझाया जा सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा, एक मैं कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। मान लीजिए मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉन्सेप्ट तो मैं बता दूंगा यार, यूं 2 मिनट में खत्म हो गया कॉन्सेप्ट।
बट अगर आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे। बहुत लोग बोलते हैं मुझसे तो एप्टीट्यूड भयंकर बनता है यार, सर वीडियो कल से नहीं डलेगा। किसमें? नहीं कल मंडे, थोड़ा मैं बिजी हूँ यार, इमरजेंसीज वर्क आ जाते हैं मेरे पास, समझ रहे हो। मैं संडे को इसमें ये मंडे को आना था, ये जो वीडियो है ये मंडे को आना था, ठीक है, बट ये संडे को इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं मंडे को अपने यहाँ स्टेशन पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए आज ही मुझे इसको शूट करके डालना पड़ रहा है। हालांकि मैं रिकॉर्डेड में डालने वाला था कल के लिए, बट मुझे लगा कि लाइव चलाते दो चार दस लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा और अलग ही मजा आता है लाइव का, मुझे रिकॉर्डेड वीडियो डालने में मजा नहीं आता है। नीलेश सिंह, समझ रहे हैं कि नहीं? तो शेयर कर दो यार, चैनल को शेयर करो, भयंकर सब्सक्राइबर ले आओ। और आपको सबको पता है कि मैं कंप्लीट कोर्स करवाता हूं, क्योंकि आप पिछले चैनल पे देखिए, मेरे ट्रायंगल मैथमेटिक्स के चैनल पे जाके देखिए, मैं वन ऑफ द वन 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 बाई वन टॉपिक एंड वन बाई वन क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूं वहां पे। इस लीलेश सिंह से आप पूछ सकते हैं, ये बंदा कमेंट में कमेंट करके बोलेगा कि सर मेरी स्पेशल रिक्वायरमेंट को, इसके स्पेशल रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा किया है, 4 घंटे स्पेशल क्लास लगा के इसके लिए, समझ रहे हैं। तो मैं बच्चों का बहुत ध्यान रखता हूं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्रायंगल मैथमेटिक्स का जो चैनल है वहां पे आके बोल सकते हैं, और इसका चैनल टेलीग्राम पे आज क्रिएट कर दिया जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए जाके, ठीक है, उसको भी ज्वाइन करिए और वहां पे आके अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जवाब दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट, टाइम वर्क एंड विच, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और ये ऐसा सदाबहार टाइप का टॉपिक है, ये हर जगह कूद के आता है, समझ रहे हो, ये हर जगह कूद के आता है, कहीं भी कुछ भी देख लो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ऐसे पड़ा मिल जाएगा कोने में, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो इस वजह से इसको ज्यादा फोकस करना है, इसको ज्यादा फोकस करना है बेटा, 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार लगा लो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, चीजें इतना ज्यादा डिटेल में मैं बात करूंगा ना कि आपको लगेगा कि भाई आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने सीखा ही नहीं था, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं ना, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा ना कि आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, ऐसे ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, चुटकियों में ऐसे करोगे और ऐसे मन में सॉल्व कर लोगे, बिना पेंसिल उठाए, बिना पेन उठाए, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, फील आ जाएगा, कौन सब्जेक्ट का फील आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट, पाइप एंड सिस्टम, अगर आपने पाइप एंड सिस्टम ध्यान दिया हो, दो टंकी होती है, एक में पानी जा रहा होता है, एक से पानी निकल रहा होता है, दो पाइप होती हैं। अब उसमें ये पूछ लेगा कि भैया ये टंकी कितने देर में भर जाएगी, ठीक है, एक का एवरेज बता देगा स्पीड, एक का खाली करने का टाइम बता देगा, एक का भरने का टाइम बता देगा, ठीक है, स्पीड पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा। तो इस तरह से पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, या इतने लीटर की टंकी है तो वहां पे, तो जस्ट इसमें भी कुछ नहीं है, बेसिक 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 कॉन्सेप्ट। आर यू प्रिपेयर फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट, देन यू कैन सॉल्व एवरी एंड सिंगल क्वेश्चन इजियस्ट वे, इजियर एंड इजिएस्ट वे, ओके। तो स्मार्ट ट्रिक्स 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 वही अप्लाई करिए जहां वो बोलती है कि मैं यहां पे लगती हूं, मैं यहां पे अप्लाई हो जाऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वन एंड टू लेवल, ऑलवेज आपको दो तरह के, दो लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, एक बेसिक लेवल का, एक एडवांस लेवल का, ठीक है। मैं इसीलिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम वन एंड टू लिखा है, लेवल वन एंड टू है, वो लेवल वन एंड टू है, मतलब आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा एंड एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, और एडवांस लेवल में ना आपको फील होगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है ढंग का, समझ रहे, कुछ तो ढंग का पढ़ा है, इस बात की इसको मैं फील करवा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। चलिए ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे आते हैं। ये बैंक पीओ में ज्यादा पूछा जाता है, बैंक पीओ में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। ये बड़े एग्जामिनेशन में इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन आते हैं, बट वो बेसिक वाले में फोकस ज्यादा करते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, सिंपल वाले से बहुत ही ज्यादा कम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, स्मार्ट ट्रिक्स पे फोकस करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेवल वन एंड लेवल टू पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अगर आपके चैनल ने सब्सक्राइब आपको नहीं करना है ना, तो आप समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीए जेई और बैंक पीओ, एनी टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन यू हैव, देन अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे। क्यों क्यों क्यों? कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हेयर ऑफ एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का सिंगल वन चैप्टर का वन कॉन्सेप्ट का ऑल क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह के ट्रिक्स यहीं पे सीखेंगे। आपको कभी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी तरफ से, आपको सब कुछ चैप्टर वन से, चैप्टर 37 चैप्टर है टोटल एप्टीट्यूड में, 37 के 37 चैप्टर में यहीं पे पढ़ाऊंगा,
फ्री में पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे डिलीवर करूंगा, ठीक है। और इसी इसी जोश के साथ पढ़ने वाले, इसी जोश के साथ पढ़ने वाले और भयंकर बेसिक से पढ़ेंगे पूरा एकदम कायदे से, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। पसंद आए तो कमेंट करिए, यस वी विल डू, ठीक है। आपको मजा आने वाला है, बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और रेगुलर वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आज डाल दियो फिर 15 दिन बाद, ना भाई ना, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन, ठीक है, आपको ये भी पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, सिंपल है, कुछ नहीं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको एडवांस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलेगा, एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिक्स मिलेंगे, सब कुछ यहीं पे मिलेगा और ढंग से पढ़ेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, ये देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको बोलते हैं ऑलवेज ग्रीन, समझ रहे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, आपसे बने ना बने, अगर आपको एग्जाम फाइट करना है, आपको SSC निकालना है, आपको बैंक PU का एग्जाम निकालना है, आपको गेट, इवन गेट भी निकालना है, तब भी आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है ऑल एग्जाम में। और कभी कभी तो इसी टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, और रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, वहीं के वहीं दिख जाता है कि भैया अभी ये पहला क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन को आंसर बना दिया और आंसर को क्वेश्चन बना दिया, वहीं के वहीं आपको रिपीटेड दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको भी बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ेंगे, इसको भी बहुत ज्यादा ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, ट्रेन, ये देखो, ट्रेन में ये पूछेगा कि भैया ट्रेन की लंबाई खंभा पार कर रही, बता दो कितनी तेज पार कर गई या कितने टाइम में पार कर गई, ठीक है। एक पुल पार कर रही, बताओ कितनी देर में पार कर जाएगी, या पुल की लंबाई बता दो, या ट्रेन की लंबाई बता दो, या स्टेशन की लंबाई बता दो, या ट्रेन आई एक स्टेशन को इतनी स्पीड से निकल गई, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो, या स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दो। ये सारी चीजें ट्रेन में पूछी जाती है बेटा, ये सारी चीजें ट्रेन में पूछी जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक, अगर आपका बेस ठीक है ना तो आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। स्मार्ट ट्रिक्स तो मैं सब जिसमें स्मार्ट ट्रिक्स लग सकती है ना उस चैप्टर में सिखाऊंगा। ऐसे सेकंडों में आंसर आएगा, ऐसे चुटकी बजाइए और आंसर पाइए, समझ रहे हैं। फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेवल 1 एंड लेवल 2 का आपको क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया, बहुत ही ज्यादा ढंग से पढ़ा, और उसी दिन आपको अगर प्रैक्टिस नहीं करी या दो तीन दिन लगातार प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या हो जाएगा पता है, फिर अगले एक हफ्ते बाद आप प्रैक्टिस करने जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी मच जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या पढ़े थे, कहां क्या अप्लाई करना था। यही तो है एप्टीट्यूड, सोचने की क्षमता, आप तुरंत डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं। एप्टीट्यूड यही तो सिखाता है आपको कि आप कितने डायरेक्शन में सोच पा रहे हैं, कितने डायरेक्शन में आपके घोड़े दौड़ पा रहे हैं, बताइए आपके घोड़े कितने डायरेक्शन में दौड़ पा रहे हैं, ये देखता है एप्टीट्यूड, ये चेक करता है एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए नाउ, बोट एंड स्ट्रीम्स, ये आने और जाने, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, ये सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे होता है सब कुछ बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। इसमें दो चार फार्मूले आपको रटने पड़ सकते हैं, आफ्टर देन स्मार्ट ट्रिक्स देन प्रैक्टिस लेवल 1 एंड लेवल 2, ओके। नाउ नेक्स्ट, रेस, अगर आपको रेस लगानी है ना, अगर आप रोज मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं ना, तब दो लोगों से रेस लगानी है ना, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, या इतनी डिस्टेंस है ये मेरे इतनी दूरी पे है, अगर दोनों साथ में दौड़े तो कितनी दूर पे कितनी देर में पहुंचेंगे, या कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे इतनी स्पीड से दौड़े, या कितना टाइम लगेगा, तो आप सबको यहीं पे सीखने को मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके फॉर्मूला एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑलवेज हेल्पफुल, क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन। Then practice is must important. Okay? Now clocks में आपको ये सीखने को मिलेगा कि भैया कितने जगह पे 90 डिग्री बनाती है क्लॉक्स, कितने जगह पे 180 डिग्री बनाती है, कितने जगह पे 0 डिग्री होता है, ठीक है, कितने 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 टाइम पे कहाँ 90 डिग्री नहीं बनता है, कहाँ पे दो सुइयां 35 डिग्री बनाने के बाद क्या करती हैं, सब कुछ सिखाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, इसमें कुछ नहीं है, ट्रिक्स इसमें नहीं लगती बेटा, इसमें ट्रिक्स नहीं लगती, जिसमें ट्रिक्स लगती है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें ट्रिक नहीं लगती है। ये सिंपल क्वेश्चन इतने छोटे छोटे होते हैं, लगाइए आंसर पाइए। इस तरह से पूछ सकता है, एक घड़ी तीन मिनट लेट है, आज 12 बजे उसको सही किया गया, अगले दिन क्या समय दिखाएगी, तो ये अगले दिन 12 बजे क्या समय दिखाएगी, तो ये सारी चीजें पूछ सकता है, अगले 2 दिन बाद क्या समय दिखाएगी, ठीक है, एक घड़ी 5 मिनट फास्ट है, अगले 3 घंटे बाद क्या टाइम दिखाएगी, ठीक है, आज घड़ी में 12 बजे हुए हैं, मैंने घड़ी को 5 मिनट फास्ट कर दिया, अगले दिन 12 बजे क्या टाइम दिखाएगी,
तो ये सारी चीजें, ये इस तरह के क्वेश्चन घड़ी में पूछे जाते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। मतलब आप अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा समझ में आएगा। और क्या एप्टीट्यूड है, क्या लॉजिक, लॉजिक पे बात करते हैं हम लोग, सोचने की क्षमता पे जोर देते हैं कि हमको सोचना कैसे है। थिंकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एप्टीट्यूड बेटा। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़िया है ना, तब आप जमा जाओगे, तब आप बढ़िया से बढ़िया कर जाओगे। ठीक है, मैंने 45 मिनट्स बोला हुआ है, 45 मिनट से एक मिनट ज्यादा नहीं लूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, एरिया ऑफ लीनियर, एरिया ऑफ प्लेन एंड फिगर, सॉरी एरिया ऑफ प्लेन एंड फिगर। अरे भाई, इसमें प्लेन, सर्कल, ट्रायंगल सबका एरिया निकालना सीखेंगे, कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, ये सारे प्लेन है, तो इनका इनका कैसे निकलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर कॉस्ट, एक कॉस्ट टाइप का होता है वहां पे, कॉस्ट एक हेडिंग है जिसको मैं वहां पे समझाऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर सम फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, है ना, एरिया ऑफ स्फीयर हो गया, हाफ स्फीयर हो गया, सेमी स्फीयर हो गया, तो इन सब का एरिया ऑलवेज रिमेंबर, ताकि आप वेरीफाई कर पाए, आपसे पूछा जाए तो तुरंत लगा के आंसर पा जाए। ठीक है, फिर आफ्टर देन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए फिर आ जाइए यहाँ पे, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में क्या होता है, सॉलिड फिगर में सिलेंडर होता है भाई, सॉलिड फिगर में सिलेंडर होता है, सॉलिड फिगर में कौन होता है मेरे लाल, कौन होता है, कौन होता है। ठीक है, सॉलिड फिगर में कौन होता है, सॉलिड फिगर में बॉक्स होता है, सॉलिड फिगर में बॉक्स होता है। तो इसका एरिया एंड वॉल्यूम, हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे, इसका एरिया निकालना सीखेंगे, इसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड एग्जाम प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जाम प्रॉब्लम सब में रहेगा, मैंने इसी में डाला है, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि ये सेक्शन भी आता है बेटा, ये सेक्शन भी आता है, सारे आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा मैं, आए हुए ऑल कम्स इन एग्जामिनेशन, ऑल द क्वेश्चन सॉल्व इन दिस लेक्चर। ओके ओके, डलेगा वीडियो डलेगा, कल नहीं आएगा, परसों से आएगा, मंगलवार से। ठीक है, ये वीडियो कल आनी थी बट मेरे पास टाइम नहीं था। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, तो कर लो यार, कर लो, अब आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए एलिमेंट्री अलजेब्रा, कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसमें, कुछ नहीं बोलूंगा, क्या करना है सब कुछ आपको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल, फंडामेंटल, फैक्टराइजेशन, इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन ऑफ ax² + bx + c, ये फार्मूला ना इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और स्मार्ट ट्रिक तो जिंदाबाद, ट्रिक मैं सिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे ट्रिक दिखाऊंगा, और भयंकर से भयंकर क्वेश्चन यू ट्रिक से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल 1 एंड लेवल 2। ओके, नाउ 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 लीनियर इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, तो होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर इक्वेशन में ऑर्डर का पावर 1 ऑलवेज होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वहां पे, यहाँ पे जस्ट आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चैनल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं कैसे, क्या, कुछ कैसे, कहाँ, कब, कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑन वन वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई साहब, साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगी, टू वेरिएबल रहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करने के बाद, लीनियर इक्वेशन को समझने के बाद साइमल्टेनियस, उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। इक्वेशन इन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, देखो वो ये इक्वेशन रहेगी और वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे। स्मार्ट ट्रिक तो जिंदाबाद, इसको करेंगे बेटा, स्मार्ट ट्रिक्स को। फिर आफ्टर देन प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस उतना मजा। चलिए नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं बताऊंगा भाई, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, सब कुछ आपको पता है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या है, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे मल्टीप्लीकेशन, दो रूट की वैल्यू है, रूट एक्स प्लस रूट वाई, कैसे ऐड करेंगे, रूट एक्स इंटू रूट वाई, कैसे करेंगे, सब कुछ यहीं पे दिखाऊंगा। डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, क्या होगा नेचर, रूट्स का नेचर क्या होता है। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक्स जिंदाबाद। एंड देन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड को समझने के लिए, एप्टीट्यूड में आगे पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए प्रैक्टिस मस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पता है मेरे पास 37 स्लाइड्स हैं, क्यों पता है कहाँ चला गया, ये रहा, हाँ, प्रोग्रेशन,
प्रोग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम इंपॉर्टेंट सीरीज एंड स्मार्ट ट्रिक्स, एंड इसमें क्या एपी जेपी, वही यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और वो ये हुआ जीपी, जीपी प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी 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 का फुल फॉर्म मुझे अभी जस्ट क्लिक होता है, कभी कभी क्लिक नहीं होता तो ऐसा नहीं हो रहा, तो ठीक है एपी जेपी सब इसमें बताऊंगा कैसे होता है अर्थमेटिक और क्या क्रमिक, पता नहीं क्या होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो इस तरह से सब कुछ सीखेंगे, सब इंपॉर्टेंट सीरीज, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज होते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं, तो उनको भी सीखेंगे। ट्रिक्स तो भाई जिंदाबाद 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 रहेगा, और प्रैक्टिस लेवल तो भाई मतलब आपको ऐसा फील होगा ना भाई आज तक ना इस तरह से किसी ने रिवील ही नहीं किया था क्वेश्चन को, इस तरह से किसी को किसी ने क्वेश्चन नहीं समझाया था, भाई आपको आंसर समझना ही नहीं है, आंसर को निकालने के पीछे भागना ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़े हुए ना, अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा है और कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है ना, तो भाई ऐसे आसानी से इतना प्यार से क्वेश्चन निकल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आंसर आ गया, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी, ठीक है, पीएनसी में सिखाऊंगा बहुत ही ढंग से, बहुत ज्यादा मजा आता है इसको सॉल्व करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल रूल्स एंड स्मार्ट ट्रिक्स, इसमें कुछ रूल्स होते हैं बेटा, इसमें रूल्स होते हैं, इसमें फॉर्मूले नहीं होते, इसमें रूल्स होते हैं, तरीका जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होते हैं। और प्रैक्टिस 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 क्वेश्चन, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस है यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। प्रोबेबिलिटी, ये देखो ये आ गया शेर, समझ रहे हो, प्रोबेबिलिटी, इसको भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, समझ रहे हैं। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, हालांकि सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी में कोई खास रिलेशन है नहीं, कुछ तरीके सेम होते हैं। अगर आपने 11th और 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है या 9th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं एकदम ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नाम भी नहीं सुना है ना, तो भी कोई वरी होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी की कई सारी डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो प्रिसाइज वे में डेफिनेशन होती है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। नोटेशंस, यहाँ पे नोटेशंस यूज किए जाते हैं, क्या अगर 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 एंड है, अगर एंड लिखा हुआ है तो एंड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, अगर और लिखा हुआ है तो और का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो ये सारी चीजें इसको नोटेशन बोलते हैं बेटा, ये वर्ड 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 समझने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ठीक है। फिर नोटेशंस, फॉर्मूला, और कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको थोड़ा सा रटना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू समथिंग, प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी सम इज इक्वल टू समथिंग, तो इस तरह से। और कुछ ट्रिक्स होंगी, बेहतरीन ट्रिक्स जो स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से मैं जानता हूँ, जिनको जिनको आप स्मार्ट ट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सब कुछ एप्टीट्यूड में, सब कुछ केवल और केवल डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन प्रैक्टिस, ओके। चलिए, इस लोगों को याद रखें, आप जब भी सर्च कर रहे हो ऐसा लोगो दिखेगा और यही लोगो रहेगा मरते दम तक बेटा, समझ रहे हैं, मैथ्स गुरुजी यही दिखता रहेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, ज्योमेट्री कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा, ज्योमेट्री आप जानते हो क्या है, सर्कल है, ट्रेंगल है, सबको कैसे समझना है, स्पेयर है, इनकी ज्योमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस, सब कुछ वहां पे सीखेंगे, बेसिक 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 बेसिक, स्मार्ट ट्रिक्स, ट्रिक्स जिंदाबाद, ट्रिक्स जिंदाबाद, समझ रहे हो ना, एंड देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है भाई, इसमें दो सेक्शन होते हैं, एक बार ऐसे जो बार चलता है ना, ऐसे जो बार चलता है ये वाला, अरे इतना बड़ा बार थोड़ी होता है यार, मैं बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड ध्यान से देखिए, ये ऐसे होता है, फिर ऐसे बार ग्राफ चलता है ना बड़ा, ऐसे वाला, ये 2005 का है, ये 2006 का है, 2008 का, तो इस तरह से जो बार ग्राफ चलते हैं वो, ये पहला कॉन्सेप्ट सेक्शन वन में आता है बार ग्राफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, टेबल, सब कुछ दिखाऊंगा, टेबल कैसे सॉल्व करते हैं, टेबल में कुछ डेटा रहेगा उसको डेटा इंटरप्रिटेशन इसीलिए नाम दिया गया है कि कुछ ईयर या मंथ या वीक के या आवर्स के डेटा रहेंगे, उनको कलेक्ट करके फिर आपको कुछ सॉल्व करना रहेगा और कुछ आंसर्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका सेक्शन टू कहाँ गया, जस्ट वन सेकंड, ये रहा सेक्शन टू में ग्राफ चार्ट, सेक्शन टू में ग्राफ चार्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे ये चार्ट है आपका, ठीक है, इसमें 20%, 25, 40 और फिर क्या, 25, 40 और 10, ठीक है, तो इस तरह से 100% को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, इस तरह से 100% को डिवाइड किया जाता है, ये चार्ट है और ग्राफ तो आपको पता ही है, ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे मंथ दिया है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे प्राइस दी हुई है, 100 रुपीज़, 2000, 500 है ना, 600, तो इस तरह से प्राइस दी रहती है, ठीक है, तो इसको या कॉस्ट दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, या प्रॉफिट दिया रहता है, लॉस दिया रहता है,
तो इस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे सीखने को मिलेगा और बेहतरीन ढंग से मिलेगा कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना, तो आप कहीं का भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप निपटा डालोगे, आप निपटा डालोगे। ठीक है, चलिए चलिए, नो नो नो, हियर डेटा सफिशियंटी कुछ नहीं है यार, एकदम आसान है, बस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आता है ना तो डेटा सफिशियंटी आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि रिलेट करते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ चीजें रिलेट होती हैं। ठीक है, ये लास्ट 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 चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है, इसको मैं सबसे लास्ट में ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं, सबसे लास्ट में ही पढ़ाऊंगा, तो आपको यहां समझ आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन एंड एक्चुअल लिस्ट क्या क्या होती है। चलिए, नाउ दिस इज माय लास्ट स्लाइड, धन्यवाद। और अब बात करेंगे किस पे, अब बात करेंगे किस पे, देखो मैंने बोला था ना कि मैं 45 मिनट पे लेक्चर को एंड कर दूंगा, इसीलिए बोला था कि मुझे पता था कि 40 मिनट लगेंगे स्लाइड को बताने में, क्योंकि 37 स्लाइड ऑलमोस्ट एक मिनट तो लेके ही जाएगा, तो ऑन एन एवरेज मैंने 3 मिनट बढ़ा के बोले थे कि 40 मिनट स्लाइड में लगेगा और 5 मिनट आपसे बातें करने में टाइम मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऑलवेज 40 से 45 मिनट का रेगुलर लेक्चर मिलेगा, मतलब इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि देखो एप्टीट्यूड क्या है, थोड़े से टाइम में ज्यादा सीखना, सीधी सी बात है, कम समय में ज्यादा सीखना और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जब भी क्वेश्चन की बात होगी वहां पे टाइम लग सकता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे, बट जब भी मैं कॉन्सेप्ट सिखाने आऊंगा आपको 40 मिनट से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और इसी स्पीड से चलने वाला है, यही टोन रहेगा मेरा, इसी स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं आराम से। देखो आराम से तो वहां चलेंगे ना जहां पे बच्चों को समझाना है, आपने तो सब कुछ पढ़ा है, आपने तो सब कुछ पढ़ा है, आपको केवल ट्रिक्स चाहिए, आपको स्मार्ट कैलकुलेशन चाहिए, आपको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझना, या कहीं पे लैगिंग हो रही है, कुछ लैग कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वहां पे आपको सीखना है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और करना ही है यार, मतलब मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए, मुझे ये नहीं बताना है किसी को कि भैया यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं आज के बाद ये बताऊंगा नहीं कि यहाँ पे एप्टीट्यूड चल रहा है, क्योंकि बैनर में मैं कंप्लीट बैनर में ये लिख के दिया है मैंने कि भैया ये एप्टीट्यूड है, आपको पढ़ना है। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि सर आप 9, 12, 11 पढ़ाते हो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, इसलिए मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहा, बहुत लोगों के बहाने मैंने सुन ली, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो भी शेयर करनी पड़ेगी, वीडियो में कमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है तो भी कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर आई डोंट अंडरस्टूड एनी टॉपिक, या किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। तो सारी क्लासेस बेटा लाइव होने वाली है, जैसे आज हम लोग लाइव समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, सॉरी क्या बोलते हैं इसके सिलेबस को, उसी तरह से ऑल कॉन्सेप्ट अवेलेबल हेयर लाइव, ओनली वन ऑप्शन यू हैव। अगर आप लाइव नहीं है बाद में देखते हैं तो आपका डाउट ही रह जाएगा, तो आप ऑलवेज कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे हमेशा आपको एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगी इसी चैनल पे। नोटिफिकेशन आपको अगर लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको और कुछ चाहिए, और कुछ ढंग का चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पे जाइए, गुरुजी मैथ्स गुरुजी को ज्वाइन करिए। ठीक है, लिंक आज आपको अभी थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाएं, क्लिक करें और क्या करें, ज्वाइन हो जाएं, और वहां पे आपको रेगुलर कम से कम 10 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी इसका पीडीएफ, क्लास पीडीएफ भी उसी में जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा सबका सब, पूरा का पूरा क्लास का कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल ऑन मैथ्स गुरुजी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, और तो और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे आके अपना नंबर छोड़िए, व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, जितने भी लोग करंट व्यूअर हैं, ठीक है, जितने भी लोग करंट व्यूअर हैं या प्लेबैक में जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या सब लोग, यार देखो मैं ये बोलता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा ये तो पता है ना यार कि मैं हूं क्या, ये तो पता है ना सबको कि मैं हूं क्या, पता है मैंने क्या करी है, मैंने क्या किया 2014 में, 2014 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ था यूपी बोर्ड से, ठीक है, यूपी बोर्ड से, फिर उसके बाद 2015 एक साल गया पे मेरा, फिर मैंने प्रिपरेशन करी थी उसकी, इसकी डिप्लोमा की, ठीक है, डिप्लोमा की, ठीक है, फिर कंपटीशन लेवल IERT इलाहाबाद में है, IERT का ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम दिया था, ठीक है, उसके बाद फिर 2015 में मैं RGPB, राजीव गांधी RGPB से मैंने क्या किया हूँ, ग्रेजुएट हुआ हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, स्ट्रीम क्या थी बेटा मेरा, मैकेनिकल था, ठीक है, BE हुआ तब तक BE था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग था, अभी हम लोग 2017 में 2017 में
वहां पे क्या हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया। तो अब वहां पे बीटेक हो गया, तो अब वहां पे बीटेक हो गया, हमने क्या करिए, बी करिए, कहां से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर देन मैं 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ, और उसके बाद से मैंने क्या किया, 3 times prepared हूँ गेट एग्जामिनेशन, और मैंने स्कोर भी किया है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 19, 20 and 21 में भी दिया, ठीक है। ये तीनों मैंने 3 साल अपीयर हुआ हूँ गेट में, बट हालांकि उतना हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी ऑलवेज कहीं ना कहीं, तो वो सारी दिक्कतें थी। तो इसके वजह से मैंने क्या किया गेट को छोड़ दिया। हालांकि मैं अभी भी इसके लिए प्लान बना रहा हूँ कुछ गेट के लिए, कि ठीक है अभी मेरा तो नहीं हो पाया, लेकिन जितने भी बिना पैसे वाले, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कोचिंग करने के साधन नहीं, इंडिया में ऐसे ऐसे कोचिंग है जो 1.5 लाख के ऊपर 1.5 लाख पीसेस लेते हैं, या मतलब 60,000 मिनिमम 60,000 है, समझ रहे, मिनिमम 60,000 सैलरी, सॉरी मिनिमम 60,000 फीस लगती है किसके लिए, भैया गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए 45 मिनट हो गए कंप्लीट, तो मेरा बायोडाटा आपको पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है, बेटा अब आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। और अगर और ज़्यादा अपडेट रहना है, और कुछ नया सीखना है, और कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो क्या, मैथ्स गुरु जी, बेटा मैथ्स गुरु जी यही रहेगा, मैथ्स गुरु जी, ठीक है, या मैथ्स बाई ई आर डायरेक्ट, KevalER.BK, KevalER ये लिखना है आपको। एप्टीट्यूड में आपको ये लिखना है बेटा, एप्टीट्यूड में आपको ये लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको क्या लिखना है, maths.er.bk, ओके, बस इतना लिखना है बस, ओके। और अगर 9th से 12th देखना है तो क्या लिखना है, YouTube पे जाना है, maths.er.bikashmaura, ठीक है। आपको कंप्लीट नेम लिखना है, हालांकि यहाँ पे आपको केवल ERVK लिखना है बस, नथिंग एल्स, ERVK लिखना है, समझ रहे हो ना। तो VK सर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 0 से 0 लेवल और सब कुछ कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा ना, वो वैदिक मैथ रहेगा बेटा, वैदिक मैथ रहेगा, फर्स्ट वी कैन स्टार्ट, ठीक है, फर्स्ट हम लोग वैदिक मैथ स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग वैदिक मैथ का, अरे दिख गया, ये वाला, ये क्योंकि आपको कैलकुलेशन सिखाना है बेटा, सबसे पहले ये स्टार्ट होगा मंगलवार से, ट्यूसडे से, ठीक है, ट्यूसडे से आपको ये पहला सुबह सात बजे एट मॉर्निंग, ठीक है, सुबह 7 बजे लाइव चलेगा बेटा, सब कुछ लाइव रहेगा, ठीक है, सब कुछ, सारी क्लासेस लाइव रहेंगी, सब कुछ आपको लाइव मिलने वाला। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, मंगलवार को सुबह 7:30 बजे, और किसके साथ, वैदिक मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, जय हिंद।